Now, next topic, mechanism of photosynthesis. कि फोटोसिंथेसिस पेड़ों के अंदर कैसे होता है. इट डजन टुक प्लेस इन वन स्टेप, एक ही स्टेप में नहीं होता. कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव राइज टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ये इतनी लंबी रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती. इट टुक प्लेस इन थ्री स्टेप. सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है? क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, यानी सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस नहीं होता. अब सनलाइट एब्जॉर्ब हो गई. सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप, सोलर एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी. अब केमिकल एनर्जी बननी है. नाउ लास्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस इनटू कार्बोहाइड्रेट. ये तीन स्टेप्स में होता है. सबसे पहले सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब की जाती है, वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, देन कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस इनटू कार्बोहाइड्रेट. नाउ दिस थ्री स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट. हल्का सा डिटेल में बता रही हूँ. नाउ हेयर इज दैट होल प्रोसेस टुक प्लेस इन टू डिफरेंट टाइप्स. एक को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, दूसरे को बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेस. फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो से नाम से ही पता चल रहा है, ये सूरज की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए हम इसको लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं. जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसके नाम से हमने इसका हेल्स रिएक्शन भी नाम रखा है. और ये कहाँ होता है? ये थायलाकोइड में होता है. सभी बच्चों ने नाइन्थ में पढ़ा है थायलाकोइड कहाँ होते हैं. थायलाकोइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं. क्लोरोप्लास्ट के अंदर थायलाकोइड्स होते हैं, जो हमने पढ़ा है इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं थायलाकोइड्स, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इनमें फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन होती है, ये पूछा जा सकता है. नाउ व्हाट विल हैपन? सबसे पहला स्टेप नाम से ही पता चलता है, पानी का टूटना. सबसे पहले पानी टूटता है, दैट इज़ कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. पानी किस में टूटता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन. वेरी इम्पॉर्टेंट. हमारी फोटोसिंथेसिस में दो चीज़ें हमें चाहिए, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज और ऑक्सीजन. यानी फर्स्ट रिएक्शन में फोटोलाइसिस में हमें 50% सामान मिल गया है, यानी एक प्रोडक्ट हमें मिल गया है. हाफ ऑफ अ रिएक्शन इज़ कम्प्लीटेड. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन क्लोरोफिल ए, एब्जॉर्ब्स सोलर एनर्जी, कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कि कब सोलर एनर्जी केमिकल में चेंज होती है. इसमें क्या होता है, दो चीज़ें लर्न करनी है. देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इसको भी एनर्जी बोलते हैं, इसको भी एनर्जी बोलते हैं. ये लर्न करनी है एटीपी एनएडीपीएच2. ये दो एनर्जी हमारे बॉडी में होती हैं, इनको हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर. हम जो भी कामकाज करते हैं वो इनकी मदद से करते हैं. एसिमिलेटरी पावर का मतलब ये हमारी बॉडी में खुद बनती है, ये बाज़ार में इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती. इसी एनर्जी से हम काम करते हैं, यही एनर्जी आगे खाना बनाने में मदद करती है. नेक्स्ट कम्स नाउ डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि इट टुक प्लेस इन नाइट, ये रात को होती है. नो, इसका मतलब है कि इसको सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती. बायोसिंथेटिक फेज, बायो का मतलब लिविंग, सिंथेटिक का मतलब बनना, इसका मतलब लिविंग कंपोनेंट बनना है इसमें, दैट इज़ ग्लूकोज. साइंटिस्ट का नेम, ये कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा. ये हमारे थायलाकोइड्स हैं और ये हमारे स्ट्रोमा है. तो थायलाकोइड्स में लाइट रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है. अब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इसमें. दिस इज़ द केमिकल रूबिलोस बाईफॉस्फेट, दिस इज़ द एंजाइम. हेयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए. नाउ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए कन्वर्ट इनटू जीएपी. अब पीजीए को जीएपी में कन्वर्ट करना है. हमारे घर में सामान आ गया, हमने उस सामान की सेटिंग करनी है, तो आई विल रिक्वायर एनर्जी. अब ये दिस इज़ अ सेटिंग रीअरेंजमेंट. अब इसके लिए एनर्जी चाहिए. कौन सी एनर्जी?
वही एनर्जी जो बनी है। ये दोनों एनर्जी, एसिमिलेटरी पावर जिसे हम बोलते हैं, ये दोनों एनर्जी PGA को GAP में कन्वर्ट करती है। हेयर इज़ रिटर्न, वही दोनों एंड कन्वर्ट करने के बाद जब मेरे घर में सामान आ गया, मैंने उसकी सेटिंग कर ली, उसके बाद मैं थक जाती हूँ। अब ये दोनों एनर्जी काम करने के बाद थक गई हैं, नाउ इट इज़ चेंजेस इनटू ADP और NADP, इनको बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर, इनको बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर, इनको बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर, दिमाग में रखिए। नाउ GAP बन गई, DHAP बन गई, ग्लूकोस बन गया, और रूबिलोस बाईफॉस्फेट अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट, जो दोबारा से ये रिएक्शन चलने के लिए स्टार्ट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले पानी टूटता है और हमें एक प्रोडक्ट दे देता है, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से मिलते हैं, क्लोरोफिल से मिलते हैं और केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। हमने पीछे पढ़ा है कि क्लोरोफिल ए प्राइमरी पिगमेंट होता है, चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी और एसिमिलेटरी पावर्स बनती हैं। ये एसिमिलेटरी पावर हमें सेकेंड रिएक्शन में चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कम्बाइंस विद रूबिलोस गिव राइज टू PGA। अब इसके अंदर एसिमिलेटरी पावर चाहिए GAP, DHAP, ग्लूकोस एंड योर एंड प्रोडक्ट। अब हमारी दोनों चीज़ें बन गई हैं, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन पानी से निकल गई और ग्लूकोस नाइट डार्क रिएक्शन में हमें मिलता है। दिस टुक प्लेस इन नंबर ऑफ सीरीज, एकदम से नहीं होता, ये सारा कुछ 3 स्टेप से होता है, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्शन इनटू केमिकल एनर्जी एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।